हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस इन द डेयरी इंडस्ट्री। जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है डेयरी इंडस्ट्री में, पढ़ने वाले हैं हम ये टॉपिक। ये इसका पार्ट वन है, जिसमें कि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें बचेंगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। वाटर इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। जो वाटर है, ये कोई बताने की बात ही नहीं है कि ये फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि वाटर के बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है। इट्स प्रेजेंस इज वेरी क्रिटिकल एंड अफेक्ट फूड स्टेबिलिटी। लेकिन जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन किया जा रहा है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस जो होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल इन द सेंस, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया तब भी प्रॉब्लम होगी, ज़रूरत से कम वाटर का एडिशन किया तब भी प्रॉब्लम होगी। आपको एक स्टैंडर्ड लेवल फॉलो करना पड़ता है कि किस लेवल पे आप वाटर का एडिशन कराएंगे, इसीलिए इसको बहुत क्रिटिकल बोला जाता है, क्योंकि वाटर का लेवल ही डिसाइड करता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका जो फूड प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो कैसा होगा। वाटर करता क्या है? अफेक्ट फूड स्टेबिलिटी, फूड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप भाई पकौड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, आपने पकौड़ी वाला आइटम मिलाया और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, तो क्या ये इस तरीके का आपका बैटर बनेगा कि आप इससे पकौड़ियाँ बना सकें? नहीं बनेगा, आप इससे नहीं बना सकते। फिर या फिर आपने बहुत कम डाल दिया, फिर क्या ये मैटर गीला हो पाएगा इतना कि आप इससे पकौड़ियाँ बना सकें? नहीं बना सकेंगे। इसलिए आपको एक क्रिटिकल लेवल चाहिए होगा कि इतना ही आप उसमें वाटर का एडिशन करें जिससे कि आप इजीली आप जो बनाना चाह रहे हैं उसको बना सकें। ऐसे ये फूड की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। माइक्रोबियल एज वेल एज केमिकल, माइक्रोबियल और केमिकल दोनों ही प्रकार के प्रोसेसेस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके से वाटर रखा जाए कि उसका जो माइक्रोबियल कंटेंट है वो कम रहे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी कोई भी चेंज ना पड़े, कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसके साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ मेनी ऑर्गेनोलेप्टिक एट्रीब्यूट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मिल्क की, उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ जूसेस, इलास्टिसिटी, ट्रेडनेस एंड टेक्सचर। हर चीज़ के लिए कितना जूसीनेस उसमें होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी कितनी है, टेंडरनेस कितनी है, टेक्सचर कैसा है, हर चीज़ के लिए आपको वाटर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की तरह दिखाई पड़ेगा। द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ वाटर इन फूड इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स एक्टिविटी। जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है वाटर की, उसको अगर बताना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको इसकी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि वाटर की एक्टिविटी कितनी है। एंड विच इज़ जीरो फॉर एब्सोल्युटली ड्राई मटेरियल। एब्सोल्यूट ड्राई मटेरियल के लिए जो वाटर की एक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। एब्सोल्यूट ड्राई का मतलब है जिसमें कि 0% मॉइस्चर है। एब्सोल्यूट वर्ड जहाँ पर लग जाता है मतलब हो जाता है, जैसे कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखा होगा, एकदम से जो एकदम पूरा माइनस में होता है, तो एब्सोल्यूट ड्राई का मतलब उसमें 1% वाटर नहीं मौजूद है। एंड 1 फॉर प्योर वाटर, और अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर के लिए एक्टिविटी 1 होती है। इन मोस्ट ऑफ केसेस लोअर द वाटर एक्टिविटी मोर स्टेबल इज द फूड। बहुत से केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे वाटर की एक्टिविटी जितनी कम होती है फूड इतना ही स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अगर वाटर एक्टिविटी कम होगी तो बहुत चांसेस है कि माइक्रोबियल लोड भी वहाँ पे कम होगा। द टेक्सचर चेंजेस फ्रॉम जूसी एंड इलास्टिक टू ब्रिटल एंड क्रंची। ये इसके साथ में ऐसा नहीं है कि वाटर की एक्टिविटी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ही बढ़ाएगा,
ये टेक्सचर को भी चेंज कर देगा, जैसे जूसी टेक्सचर है, इलास्टिक है, इसको ब्रिटल और क्रंची में चेंज कर देगा। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर रिमूवल। अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। तो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन क्या है, ये वाटर रिमूवल की प्रोसेस है फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू, किसी भी प्लांट टिश्यू से वाटर के रिमूवल की प्रोसेस है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, एंड बाय इमर्जन इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किया कैसे जाता है, बाय द यूज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई भी टिश्यू रखा और इसमें आपने बहुत कम, इसमें वाटर ज़्यादा है और इसमें आपने शुगर का एडिशन किया लेकिन बहुत कम शुगर है। नेक्स्ट आपने एक मीडियम में इसको रख दिया, जिस मीडियम में रखा इसमें बहुत सारा शुगर प्रेजेंट है और वाटर बहुत कम है। तो वाटर का नेचर होता है कि जहाँ पे इसका अमाउंट कम होगा ये वहाँ पे जाने लगेगा। तो ये जो सेल है इसमें वाटर बहुत है लेकिन सोल्यूट बहुत कम है। अब इसमें वाटर भी मौजूद है लेकिन इसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा वो वाटर को बाइंड कर लेगा। अब जब वाटर को बाइंड कर लेगा तो इसमें वाटर तो बहुत कम रह जाएगा, अब ये क्या करेगा, ये सेल से या टिश्यू से इधर की तरफ जाने लगेगा। जब ये बाहर मीडियम में पहुँचने लगेगा तो ये जो सेल है ये तो श्रिंक होने लगेगी ना, क्योंकि इससे जब वाटर निकल जाएगा ये तो दुबली पतली हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है वाटर रिमूवल या ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। और ये जो सॉल्यूशन होता है यही होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वाटर रिमूवल इज बेस्ड ऑन नेचुरल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। जो वाटर रिमूवल होता है ये नेचुरल और नॉन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना पे बेस्ड होता है, जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर जो रिमूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो जा तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रहा है। द परमिएबिलिटी ऑफ प्लांट टिश्यू इज लो टू शुगर एंड हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को ही अंदर से बाहर जाने देगी, बाहर से अंदर जाने देगी, हर एक चीज़ को ये पासेस अलाउ नहीं करेगी। इसीलिए जो परमिएबिलिटी होती है शुगर के लिए और जिन कंपाउंड्स का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत कम होती है। हैंस द मटेरियल इज इम्प्रीग्नेटेड विद द ऑस्मोएक्टिव सब्सटेंस। इसलिए जो मटेरियल होता है उसमें ऑस्मोएक्टिव सब्सटेंस लगाया जाता है इन दी सरफेस लेयर्स, ताकि मटेरियल जो है वो सिलेक्टेड चीज़ों को आने जाने दे, हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद ना हो जाए जाती है। वाटर ऑन द अदर हैंड इज रिमूव्ड बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा वाटर का रिमूवल भी कर दिया जाता है, एंड द सेल सैप इज कंसनट्रेटेड विदाउट अ फेज ट्रांजिशन ऑफ द सॉल्वेंट। जो सेल सैप होता है इसको कंसनट्रेट कर लिया जाता है फेज के कोई भी ट्रांजिशन हुए बिना। फेज ट्रांजिशन मतलब लिक्विड से सॉलिड में बदल गया, सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया गया, लिक्विड से गैस में बदल दिया गया, तो इस टाइप का कोई भी फेज ट्रांजिशन नहीं देखा जाता है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज अकम्पेंड बाई द साइमल्टेनियस काउंटर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स। जो वाटर का डिफ्यूजन है ये कंपेंड किया जाता है काउंटर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स के द्वारा फ्रॉम द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन इनटू द टिश्यू। सिंस द सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट परफेक्टली सेलेक्टिव। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये परफेक्टली सेलेक्टिव नहीं होती है, इसीलिए जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सेल्स में, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, रिड्यूसिंग शुगर, मिनरल्स, फ्लेवर एंड पिगमेंट कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी लीज्ड इनटू द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन विच अफेक्ट द ऑर्गेनोलेप्टिक एंड न्यूट्रिशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को पासेज अलाउ करती है, इसीलिए जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं सेल में ये ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं सारे,
और ये फिर ऑर्गेनोलेप्टिक और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करते हैं। मास ट्रांसफर ड्यूरिंग ऑस्मोटिक ट्रीटमेंट, ऑस्मोटिक ट्रीटमेंट के दौरान मास ट्रांसफर होता है और ये होता है अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब ही होता है सेमी, जहाँ पे वर्ड होता है मतलब होता है हाफ, मतलब हाफ परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल नहीं है। ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है, विच ऑफर डोमिनेंट रेजिस्टेंस टू द मास ट्रांसफर, ताकि कोई चीज़ बल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में ना ट्रांसफ़र हो जाए, मास ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसके लिए ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये ऐसी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड करती है जिससे कि बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है। द स्टेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कैन चेंज फ्रॉम पार्शियल टू टोटल परमिएबिलिटी बाय हीट ट्रीटमेंट। अगर आप हीट का ट्रीटमेंट दे देते हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो टोटल परमिएबल भी हो सकती है, एंड दिस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द टिश्यू आर्किटेक्चर, और जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है, टिश्यू का जो डिज़ाइन है, उसमें भी चेंज देखा जा सकता है। द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव केमिकल पोटेंशियल लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड सोल्यूट इनफ्लो इन टू द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक सोल्यूशन। होता क्या है, जो डिफरेंस होता है केमिकल पोटेंशियल में वो क्या करता है, वाटर का आउटफ्लो कर देता है प्रोडक्ट से और सोल्यूट्स को वाटर के अंदर ले आता है। कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन को डिज़ाइन किया जाता है कि वाटर बाहर चली गई, जो सोल्यूट है वो अंदर आ गया। विच मेनली अकर्स इन द फर्स्ट 2 to 3 hours ऑफ इमर्सन, और ये होता है ये इमर्सन के पहले 2 to 3 hours में ये प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट द वाटर कंटेंट बिटवीन फूड एंड ऑस्मोटिक सोल्यूशन ग्रेजुअली डिक्रीज, और उसके बाद में जो फूड और जो जो वाटर का कंटेंट है फूड और ऑस्मोटिक सोल्यूशन के बीच में, ये वाटर का कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है। कब तक कम होता है, अनटिल इवेंचुअली द सिस्टम रीचेस अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिकुलर ट्रांसफ़र, जब तक कि सिस्टम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चीज़ें चल भी रही हैं और स्टेबल भी है, वाटर इधर से उधर भी जा रहा है, लेकिन अब दोनों साइड में वाटर की कंसंट्रेशन बराबर हो चुकी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें इक्विलिब्रियम में हैं और ऑल द प्रोसेस इसमें हो रही है, इसीलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। The use of high temperatures can result in the degradation and oxidation of some food nutrients. जो high temperature treatment दिया जाता है ये कुछ food nutrients का degradation और oxidation करवा सकता है। Thus osmotic dehydration stands out as an efficient pre-treatment. इसलिए osmotic dehydration को एक pre-treatment की तरह लिया जाता है, improving the final product's quality, ताकि final product की quality को बढ़ाया जा सके, improve किया जा सके। Due to a reduction in nutrients degradation such as vitamin and minerals, ताकि जो nutrients हैं उनका degradation ना हो, जो कि vitamins हैं minerals हैं इनका किसी भी तरीके से degradation ना देखा जाए। Osmotic dehydration has received greater attention in recent years. Osmotic dehydration पे सबसे ज़्यादा attention अभी कुछ recent years में दिया गया है as an effective method for preservation of fruits and vegetables, क्योंकि इसको fruits और vegetables के preservation के लिए एक बहुत effective method की तरह खोज लिया गया है। In the hypertonic solution, osmotic substances in fruits releases water एंड नेचुरल सोल्यूबल कंपाउंड्स। जो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होता है उसमें जो ऑस्मोटिक सब्सटेंस होता है फ्रूट में वो वाटर को रिलीज़ कर देता है और नेचुरल जो सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं उनको भी रिलीज़ कर देता है। तो जो फ्रूट है जब वाटर ही वहाँ पे नहीं रह जाएगा तो फिर वो प्रिजर्व हो जाएंगे, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकेंगे।
अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को किया कैसे जाता है? इन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन द मास ट्रांसफर अकर्स, मास ट्रांसफर होता है थ्रू द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मास ट्रांसफर कराया जाता है ऑफ द बायोलॉजिकल फूड मटेरियल, बायोलॉजिकल फूड मटेरियल का, विच ऑफर्स अ डोमिनेंट रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है इस ट्रांसफर के लिए। डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर का डिफ्यूजन होता है इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टिश्यू, जिनको आपकी ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेट कर रहे हैं उनकी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन देखा जाता है। इन होमोजीनस मटेरियल, जो होमोजीनस मटेरियल्स होते हैं, इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट कॉन्स्टेंट रेट डिफ्यूजन, कॉन्स्टेंट रेट से अगर डिफ्यूजन हो रहा है विद डिफ्यूजन कॉफिशियंट डी, और डिफ्यूजन कॉफिशियंट डी है, अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मॉइस्चर ग्रेडियंट। ये यूनिफॉर्म मॉइस्चर ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में होता है। इन द मैकेनिज्म फॉर सेलुलर बायोलॉजिकल मटेरियल इट इज प्रपोज्ड दैट द डिहाइड्रेशन फ्रंट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मटेरियल। जो सेलुलर बायोलॉजिकल मटेरियल है उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें जो डिहाइड्रेशन फ्रंट होता है वो सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। दिस रिजल्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन। ये सेल मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेशन को रिजल्ट करता है। इन द डिहाइड्रेटेड रीजन, जो डिहाइड्रेटेड रीजन होता है जहाँ पे वाटर लॉस हो चुका है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है एंड द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस थ्री डिफरेंट रीजन। और वाटर का ट्रांसपोर्ट तीन रीजन में कर दिया जाता है, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द कोर ऑफ द मटेरियल टू द डिहाइड्रेशन फ्रंट। जो कोर है मटेरियल की उससे डिहाइड्रेशन फ्रंट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द फ्रंट, जो वाटर फ्रंट है डिहाइड्रेशन फ्रंट है उसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो जाता है। एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड लेयर, या जो ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड लेयर्स होते हैं उनके थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है इनटू द सराउंडिंग मीडियम। जो चारों तरफ उसके मीडियम होता है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब आता है मास ट्रांसफर इन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन में मास का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? अभी हमने देखा कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को अलाउ करती है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, लेकिन क्या किया जाता है इसको हीट का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है तो ये जो पोर्स और चैनल्स होते हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर ये सभी सॉल्यूट्स को, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो विटामिन्स हों, ये सबका पासिस करने लगते हैं। इसीलिए अब ये तो बहुत बल्क में चीज़ें जाने लगें क्योंकि भाई पोर्स बड़े हो गए, चीज़ों को क्या है वो तो निकलने लगेंगी बाहर की तरफ। इसी को बोला जाता है मास ट्रांसफर इन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। द प्लांट शेल जनरली कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। प्लांट सेल में दो मेन कंपोनेंट्स होती हैं, पहली होती है सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। ये दो चीज़ें मेन होती हैं। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग जो कि ज़्यादातर टाइम डबल लेयर्ड होती है, और उसके बाद में अंदर जो मटेरियल फिल है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। सारी चीज़ें प्रोटोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। द सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर लाइनिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर लाइनिंग होती है सेल वॉल एंड कवर्स द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट होती है लेयर उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। ये जो है सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ परफोरेटेड एंड परमिएबल टू वाटर एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन इसमें पोर्स होते हैं, परफोरेटेड होती है
और ये वाटर और सॉल्यूट पार्टिकल्स को आने जाने में मदद करती है, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने में। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स द प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कुछ एक लिक्विड होता है इस तरीके का जिसमें कि सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। प्रोटोप्लास्ट एक लिक्विड होता है, ये मैं येलो कलर से हाईलाइट करके यहाँ पे बना रही हूँ। ये प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट जो एक मेम्ब्रेन है जो कि ब्लू कलर में दिखाई गई है, सेल मेम्ब्रेन, उससे एनक्लोज्ड रहता है। एंड इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये बहुत सारे अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को भी इसमें रखता है, सच एज न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड सो ऑन। सारी चीज़ें इसी में प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो वैक्यूल हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, सारी चीज़ें इसी में प्रेजेंट होंगी। जो प्रोटोप्लास्ट है इसी में वैक्यूल होगी, इसी में न्यूक्लियस भी होगा, इसी में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल टू मेंटेन द वाटर प्रेशर विद इन द सेल। अब जो प्लांट की सेल होती है इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये वाटर के प्रेशर को सेल में मेंटेन करके रखे, कीपिंग देम रिजिड सो दे कैन सपोर्ट द प्लांट। उनको रिजिड रखे, सख्त रखे, ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सकें। The water pressure within the cell is called as turgor pressure. अब जो ये pressure cell के अंदर बनता है इसको turgor pressure बोला जाता है। And turgor pressure is maintained by a process called osmosis. और turgor pressure को osmosis की process के द्वारा ही maintain करके रखा जाता है। The fluid inside the plant cell is rich in solute concentration. देन दी सराउंडिंग फ्लूड, जो प्लांट सेल के अंदर फ्लूड होता है वो सोल्यूट कंसनट्रेशन में रिच होता है, जबकि जो सराउंडिंग फ्लूड होता है वो सोल्यूट कंसनट्रेशन उसकी कम होती है। अब होता क्या है, जैसे कि ये सेल है, सेल का जो बाहर का मीडियम है इसमें सोल्यूट बहुत कम है, इसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, और जो सेल रखी है इसमें सोल्यूट बहुत कम है। The fluid inside the plant cell is rich in solute concentration. जो सेल है सेल में सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और बाहर सोल्यूट कम है लेकिन वाटर ज़्यादा है। तो अब होगा क्या, वाटर यहाँ पे सोल्यूट तो है ही है लेकिन यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, और जो सेल है सेल में सोल्यूट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये इसने सारे वाटर को बाइंड कर लिया, सारा वाटर बाइंड हो गया, वाटर की कमी होगी तो तुरंत वाटर अंदर की तरफ जाने लगेगा। अब जब किसी भी सेल में बहुत ज़्यादा पानी पहुंच जाएगी तो वो अपनी वॉल पे एक प्रेशर लगाने लगेगी, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। ये जो प्रेशर होता है इसी को टर्गर प्रेशर बोला जाता है। द वाटर मूव्स इनसाइड एंड ट्राइज टू रीच इक्विलिब्रियम। वाटर अंदर पहुंच जाता है और इक्विलिब्रियम में पहुंचने की कोशिश करता है। मीनवाइल एट द सेम टाइम द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑल्सो ट्राई टू डिफ्यूज आउट until they reach equilibrium। जो solute particles होते हैं वो भी diffuse करने की कोशिश करते हैं उसी समय पे, ताकि वो भी equilibrium पे पहुंच जाएं। If the cell and the surroundings have the same osmotic pressure, अगर जो cell है और जो cell की surrounding है दोनों का ही osmotic pressure same होता है, देन दी टर्गर प्रेशर इज जीरो। उस केस में टर्गर प्रेशर को जीरो कंसिडर किया जाता है। एंड दी सिस्टम इज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, और इस सिस्टम को थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इज लोअर, अगर सराउंडिंग का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम है, देन दैट ऑफ द सेल, और सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वाटर इन टू द सेल। ऐसे केस में क्या होगा, वाटर का ट्रांसफर सेल के अंदर होने लगेगा। इस केस में क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा पानी पहुँचने लगेगा सेल के अंदर, द सेल स्वेल्स, सेल फूल जाएगी। बट द रिजिड सेल वॉल लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग,
अब सेल वॉल तो बहुत रिजिड है, सेल फूल भी रही है, अब क्या करेगी, कितना फूल के जा सकती है, जितना उसकी सेल वॉल है उतना ही तो फूल सकती है, उसके आगे तो वो फूल के जा नहीं सकती है। तो होता क्या है, अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, अगर किसी सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो उसका वाटर सब बाहर चले जाएगा, वो बहुत सिमट जाएगी, सेल वॉल तो उसकी यहाँ रह जाएगी, सेल जबकि सिमट के यहाँ पर रह जाएगी, जबकि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें अलग ही केस होता है, सेल इतनी सॉयल हो जाती है कि पूरी बाउंड्री तक पहुँच जाती है। सो इन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट ऑफ सेल, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन का वो सेल से ज़्यादा होता है, और जो सेल होती है वो वाटर को लूज कर देती है। दी डिहाइड्रेशन ऑफ अ प्रोटोप्लास्ट, अगर प्रोटोप्लास्ट का डिहाइड्रेशन हो जाता है causes decrease of its volume, अब प्रोटोप्लास्ट अगर कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो सेल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि सेल एकदम से श्रिंक हो चुकी है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन अकर्स ऑन अ पीस ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन अ सिंगल सेल, अब जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन होता है ये किसी एक सिंगल सेल पे नहीं होता, सिंगल सेल तो हम लोग समझने के लिए पढ़ते हैं, ये होता है पूरे मटेरियल के पीस पे, हैंस इट शुड बी एज्यूम्ड दैट द पीस एग्जिस्ट्स इन ऑल काइंड ऑफ प्लांट टिश्यू, ये जो पीस होता है ये सारे ही प्लांट के टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, सेवरल फैक्टर्स कैन अफेक्ट द मास ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, जो वाटर एंड सॉल्यूट का मास ट्रांसफर हो रहा है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में, इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सो टेम्परेचर ऑफ ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस, जो ऑस्मो एक्टिव सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या है, ये अफेक्ट करेगा ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को। इसके साथ ही ऑस्मो एक्टिव सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, ऑस्मो एक्टिव सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सेल से कम है या सेल से ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करेगा कि सेल सॉल्व करेगी या प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। इसके अलावा फ्रूट सॉल्यूशन रेशियो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को अफेक्ट करने में। एजिटेशन लेवल, प्रोसेसिंग टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पैरामीटर, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पैरामीटर होता है इन द ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन काइनेटिक्स, जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है उसमें टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, टेम्परेचर पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन जनरल द हायर द प्रोसेस टेम्परेचर, अगर प्रोसेस का टेम्परेचर हाई होगा द ग्रेटर द मास ट्रांसफ़र रेट, मास ट्रांसफ़र का रेट इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कैसे, जैसे ही अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा दें क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, अब लिक्विड जितनी तेज़ से ट्रैवल करता है गैस तो उससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही तेज़ से ट्रैवल करती हैं, तो जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर वेपोराइज होने लगेगा, वेपोराइज फॉर्म में गैसेस फॉर्म में, तो वो और तेज़ी से वो ट्रैवल करेगा, इसीलिए मास ट्रांसफ़र का रेट बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। और ये एक रीज़न ये भी होता है कि सेल की परमेबिलिटी है, जो सेल के पोर्स हैं छोटे छोटे से पोर्स होते हैं पहले, और अगर आप हीट का ट्रीटमेंट दे दें ये बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं, तो अब इनको जगह ज़्यादा मिलती है, इसकी वजह से भी मास का ट्रांसफ़र जो है वो इनक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेरी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर। वी आर अवेलेबल ऑल टाइम। So thank you very much. Thank you again for watching this session.